गुरबाणी पढ़न लई उदम भावे अजे अर्थ नहीं पता अजे रस नहीं आया। ये तुहानू सारी संगत नू एक माण करियो कलगीधर दे चरणा ते। मैं बैठा बैठा सोच रहा सी कि जेड़ी पहली कलास है ना गुरबाणी पढ़न लई उदम करना, ये साल विच तीन वारी तुहाडे सारयां कोलों गुरु गोबिंद सिंह जी खुले पाठ वंडन की सेवा लेंदे। आखो सतनाम। बहुत संगत नूं पता है एक कलगीधर जी दे आगमन दिहाड़े ते दो महीने पहला तुसी चौपाई साहब दे खुले पाठ संगतां नूं बेनती करदे हो। गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी दिहाड़े ते जपजी साहब दो महीने पहला, एक बंदी छोड़ दिहाड़े ते 2 अक्तूबर नूं जो मनाया जांदा है उस तों 1.5-2 महीने पहले चौपाई साहब। हुण कई इतराज भी करदे गिणती क्यों करदे, खुले पाठ तुसी दिंदे तुसी किन्ने करोगे जी 1.5 महीने च गुरु गोबिंद सिंह जी दे आगमन दिहाड़े दी खुशी। सही मायने विच ये खुले पाठ क्यों वंडे जांदे ने कि जिन्हां ने कदी गुटका साहब भी नहीं फड़िया गुरु गोबिंद सिंह तेरी कृपा होवे वह भी जुड़ जाण। आखो सतनाम। बाकी कोई तुहानू गिणती बारे कहे तो डट के कह दिया करो गिणती गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप की। जदों अमृत छकांदे 5 प्यारे कहिंदे 5 बाणियां 6वीं रहिराज साहिब 7वां सोहिला साहिब गिणती आ गई। आ सारे गुरु ग्रंथ साहिब च गिणती है। मैं 11 अंग ते सहज पाठ छड्डिया जी, मैं 250 अंग ते सहज पाठ गिणती ना होगी। कम करिए गिणती एक अपने अंदर हौसला देण लई है। उस तो बाद कहना यही है तू सेवा लई। आ गुरु अमरदास जी ने कहा 84 पौड़ियां 84 इशनान 84 पाठ जपजी साहब शरदा नाल करे ओदी गुरु नानक दी कृपा नाल 84 कटी जाए। आ गिणती ना इहदे इक जोड़न दा पराला। और आ जदों सारी संगत साल विच 3 वारी खुले पाठ जदों तुसी होरना नूं प्रेरणा इंज समझो भी अनेकां जीवां नूं तुसी गुरु नानक दी पहली क्लास दे विच साध संगत जी लिया रहे हो। आखो सतनाम। आ मैनूं बचन याद आ जांदा आनंद एवन्यू दा परिवार इत्थे बैठे ने भैन जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी दा आगमन दिहाड़ा सी ते जपजी साहिब जी दे पाठ महीना सवा महीना पहला जिहड़े दित्ते गए उन्हां दे घर एक दोधी दुध देण आंदा है सिख सी गुरु ते जदों उन्हां ने उस दोधी नूं उदों 15 दिन रह गए सी अरदास नूं उह दोधी नूं आखिया बई तूं जपजी साहिब दा पाठ रोज़ करदा हुंदा। आखो सतनाम। उन्हें आखिया जी सानूं दुध दा काम इन्ना सानूं जपजी साहिब पढ़न दा समां ही नहीं लगदा। ਉਹ ਆਨੰਦ ਐਵਨੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਪਾਠ ਮੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੋਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ 5 ਰੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀ 75 ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ये मैनू परिवार ने महीने बाद आप दसिया कहिंदे जिस दिन अरदास एक दिन उन्हूं पहले पुछया भी हो गए पूरे कहिंदे हो गए ते कहिंदे फिर महीने क बाद वो दोधी ने की जिक्र किया कि मैं वो शरीर हाँ जिन्हें कभी जपजी साहिब का गुटका साहब भी नहीं सी फड़िया पर हुण मेरा 5 पाठ रोज का नेम बन गया है। ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ 4ਥੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਪਰ
ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਦਮ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਦਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ ਅਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਾਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।